सागर जिले के सुरखी क्षेत्र के राहतगढ़ में जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा पहली से आठवीं तक के दिव्यांग बच्चों का शिविर लगाया गया, जहां राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत ने पहुंचकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ट्राईसाइकिल और शिक्षा सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाइयां और चॉकलेट बांटकर उनके माता पिता से आग्रह किया कि इन बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न आने दें, क्योंकि ये बच्चे ईश्वर का विशेष उपहार है। ये हमेशा उपलब्ध है और आप लोगों के लिए ही आज ये कार्यक्रम डीआरएस द्वारा आयोजित किया गया है, ताकि जो हमारे माता पिता जिनके बच्चे ईश्वर के इतने अनमोल तोहफे हैं और माता पिता की परेशानी उन पे कहीं बोझ ना बन जाए उन मासूम बच्चों पर, इसलिए ऐसे कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं आप लोगों के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी सुविधा हम आपको लगे, जो आप लोगों की जरूरत हो, हम गवर्नमेंट की तरफ से मंत्री पुत्र के रूप में आप लोगों के लिए हमेशा उपस्थित हैं। और ऐसे आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है कि आज हमारे बच्चों के लिए एक अनमोल ट्राईसाइकिल मिल रही है, ताकि उनकी आने जाने की सुविधा, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसी ही काफी सुविधाएं जो हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने विकलांगों के लिए रखी हुई है, कि आप लोगों की पढ़ाई, शिक्षा, भोजन से लेकर आप लोगों के भविष्य में उनकी कोई भी परेशानी, आपको 50% आपको दायित्व, तो 50% हमारी सरकार को दायित्व, जा समझियो। सागर से ईएमएस टीवी के लिए नीरज वैद्यराज की रिपोर्ट।